अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तमाम भाई बहन। थैंक यू सो मच आदम अमीन सीईओ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया, वो भी हमारे बंदों के लिए। तो जो लोग हमारे लिंक के ज़रिए से ज्वाइन हो गया था, एक्सेप्ट हो गया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उसको मैंने बोल लिया, मैंने कहा आदम भाई थोड़ा 3 दिन और दे दो, तो आपके पास 3 दिन और आ गए एक्स्ट्रा। मज़ीद काफ़ी लोग कहते कि हमें अपने टीमों को इकट्ठा करना है, किस तरीके से इनको ज्वाइन करना है, उनका डाटा शेयर करना है। अच्छी बात है, अपनी टीमों के ख्याल रखा करें, जो भी मुश्किल वक़्त में आप लोग नहीं थे उसके साथ अभी है, तो अपनी टीमों का डाटा शेयर करें। वो भी मैं आपको एक नंबर सेंड करता हूँ, अमीन साहब का नंबर है, उसी पर आप लोगों ने अपना डेटा सेंड करना है, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों की वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये जो अकाउंट है ये एक ही दिन पर सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये नहीं कि ये प्लाने का बंदा, ये प्लाने का बंदा, वो सिस्टम नहीं है। जो बंदा रह गया था वो फिर अदालत का इंतज़ार कर ले, और जिन लोगों ने कर लिया था तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको बाय हैंड जिसका इसका अमाउंट है उसके मुताबिक उसको अकाउंट मिलेगा। और मैं आप लोग कभी भी कहता हूँ कि आपके पास सिर्फ 3 दिन है, और 3 दिन में आप लोगों ने वो क्लियर करके देना है, उसके बाद फिर आप लोग अदालत का इंतज़ार करोगे। बिल्कुल एग्री, अदालत का इंतज़ार तो हम भी कर रहे हैं। वो तो अभी भी कहते हैं कि कुछ मिल जाए तो इंशाल्लाह उसी वक्त आपको रिटर्न करूँगा, अभी भी अपनी ज़ुबान से मुकर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत अच्छा प्लेटफार्म ले गया है, पहले भी अच्छे अच्छे प्लेटफार्म लेके आए थे, कुछ नमक हराम लोग थे उसकी वजह से हमारी कंपनी बंद हो गई। अभी आपको होते पाकिस्तान में 2 से 2 हज़ार कंपनियाँ चल रही है, इसी तरह लोगों से पैसे उठाते और वो काम करते, लेकिन उसके पीछे प्रोजेक्ट है नहीं। जिस तरह अभी कहते कि मैंने स्वाद में बंगला बनाया, और दूसरा कहते मैंने चकदरा में, तीसरा कहते मैंने सवाबी में, वो सारा फेक ही है। अभी तक इनके पास कोई ऐसी लीगल ज़मीन नहीं है, NOC इनके पास, LOP इनके पास नहीं है, तो बस वैसे लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे और लोगों को लॉलीपॉप दे रहे, और वही पैसों से जनरेट कर रहे विड्रा, कभी देते कभी नहीं देते, कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते, जो ज़ुबान किए तो वो ज़ुबान पर भी नहीं देते वो कंपनियाँ। एनीवे उनको छोड़ दो, उनके साथ हमारा काम ही नहीं है। तो आपके पास अभी भी एक टाइम है, और उस टाइम तक आप लोगों ने ये सारी चीज़ें क्लियर करके देनी है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आपका प्रॉफिट होगा, जितना आप करोगे अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाओगे, लॉस हो गया तो आपका अपना नुकसान है, फ़ायदा हो गया तो आपका अपना ही। जब आप लोगों की अपनी अमाउंट पूरी हो जाएगी तो उस वक्त आपको अकाउंट क्लोज़ कर लेगा, उसके बाद आप लोग 1 महीना नहीं, 1 हफ़्ता भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये आपके पैसों तक महदूद है, आप अपने पैसे निकालोगे। उस वक्त इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अदालत के अकाउंट भी खुल जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन तक तो कुछ हो नहीं सकता, और नेक्स्ट डेट भी हमारा आपको पता है 19 है, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होने वाला है, जिससे आप लोगों के पास एक CEO है, सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा है, तो टेंशन किस बात की है। मुखालिफिन तो वैसे भी अभी जल रहेंगे, क्योंकि बॉस फिर माशाल्लाह मार्केट में आ गया, और वो फार्म के साथ आए कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ छक्के मारेंगे, सिंगल और चौके नहीं लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।